गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपको पढ़ना है सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई पिंड किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गए निश्चित दूरी पर रहकर गति करता है। जब कोई पिंड, जैसे मान लीजिएगा ये निश्चित बिंदु है और एक पिंड जो है इसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर रहकर गति कर रहा है, तो ये पिंड की गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर रहकर गति करता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? और पिंड की निश्चित बिंदु से दूरी जो होती है ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो वृत्तीय गति समझ में आ गई क्या होती है? जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु किसी बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर रहकर गति करता है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। और निश्चित बिंदु से पिंड की दूरी क्या कहलाती है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या कहलाती है। वृत्तीय गति यहां पर सामान्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक समान वृत्तीय गति, दूसरी असमान वृत्तीय गति। जब वृत्तीय गति करते समय पिंड की चाल नहीं बदलती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति करते समय जब पिंड की चाल नहीं बदलती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। असमान वृत्तीय गति क्या होती है बेटा? जब वृत्तीय गति करते समय पिंड की चाल बदल जाती है तो उसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो मैंने तीन बातें आपको बताई। पहली बताई वृत्तीय गति क्या होती है। जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर रहकर गति करता है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरी असमान वृत्तीय गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति क्या होगी? जब वृत्तीय गति करते समय पिंड की चाल नियत रह चाल नहीं बदलती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और जब वृत्तीय गति करते समय पिंड की चाल क्या होती है? बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो तीनों बातें समझ में आ गई बेटा। अब देखिए कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है? देखिए वृत्तीय गति करते समय कोई पिंड वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं और इसे डेल्टा थीटा से निरूपित करते हैं। वृत्तीय गति करते समय कोई पिंड वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं और डेल्टा थीटा से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। बात समझ में आ गई? वृत्तीय गति करते समय कोई पिंड वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। डेल्टा थीटा से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। मान लीजिए स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल आर त्रिज्या के गति पथ पर एक समान चाल v से गति करते हुए डेल्टा t समय में वृत्त के केंद्र पर डेल्टा s चाप द्वारा डेल्टा t
माना इस्माल एम द्रव्यमान का एक पिंड इस्माल आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर गति करते हुए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा को मानित करता है तो कोणीय कोण बराबर क्या होता बेटा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता बेटा चाप बटे त्रिज्या। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपन क्या होता है आर होता है। अब इसका अगर विमीय सूत्र निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपन आर। बेटा चाप किसमें नापते हैं मीटर में। किसमें नापते हैं मीटर में। मीटर का मतलब हो गया एल। त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मीटर। मीटर का मतलब क्या हो गया एल। मीटर मतलब प्रतीक एल होता है बेटा एल। बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे एन की पावर एल माइनस वन आधार समान लगाते दो दो वन माइनस वन एल की पावर जीरो यानी कितना आ गया वन। यानी कि कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है विमाहीन राशि। समझना भी बात। नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय वेग। क्या है एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग देखिए कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग है। कोणीय विस्थापन की समय दर कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। बात समझा। कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर कोणीय विस्थापन की समय दर को किसको कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन पर क्या होता है सेकेंड होता है। यदि डेल्टा टी बराबर एक सेकेंड तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा। एकांक समय में होने वाला कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। कहा बेटा एकांक समय में होने वाला कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक रेडियन पर क्या होता है सेकेंड होता है। मान लीजिए स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर एक समान चाल बी से गति कर रहा है। गति करते हुए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण आंतरित करता है तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा पर क्या होगा डेल्टा टी। बेटा अब इसका विमीय सूत्र निकालना है। आप क्या निकालना है विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बेटा ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। अब आप डेल्टा थीटा को लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन आर इंटू क्या होगा डेल्टा टी। अब डेल्टा एस का मतलब हो गया एल आर का मतलब हो गया एल ये हो गया टी तो ओमेगा इक्वल टू आएगा एल एल माइनस वन टी माइनस वन वन माइनस वन टी माइनस वन ओमेगा इक्वल टू होगा एल जीरो टी माइनस वन। तो इसका विमीय सूत्र कितना होगा देखिए बेटा तो ओमे आपको कोणीय वेग की परिभाषा और कोणीय वेग का विमीय सूत्र निकाल दिया। अब देखिए ध्यान से नोट नंबर वन बेटा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बेटा पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा
एक चक्कर में लगाने में समय क्या होता है? आवर्तकाल। एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो पूरे एक चक्कर में केंद्र पर कोण कितना बनाएगा? 360 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? भाई ये पूरा कोण बनाएगा कितना हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा यदि डेल्टा थीटा बराबर 360 का मतलब 2π, डेल्टा टी का मतलब कैपिटल टी यानी आवर्तकाल, तो आ गया 2π अपॉन कितना हो गया? कैपिटल टी आ गया। अब आपको मालूम है n इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना होगा? 2π n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2π n। कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल है। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। और एक सेकेंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। मतलब कोई भी पिंड है, एक सेकेंड मान लो 4 चक्कर लगाता है, उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 4। प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स चक्कर प्रति सेकेंड होता है, या हर्ज भी होता है। क्या होता है? हर्ज, चक्कर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, इसके इतने मात्रक होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? देखिए बेटा, कुछ पॉइंट आपको न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं। यहां पर पहला पॉइंट है, डोरी की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी डोरी की लंबाई जो होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। इसके बराबर होगी डोरी की लंबाई, या घड़ी के सुई की लंबाई, किसी क्षण की लंबाई, इसके अंतर्गत यदि होती है वो सभी वृत्ति पथ की क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, घड़ी की सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई एक चक्कर जो लगाती है कितने में लगाती है? 60 सेकेंड में। सेकेंड वाली सुई का, सेकेंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। और मिनट वाली सुई का होता है बेटा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 1 आवर। और घंटे वाली सुई का होता है बेटा 12 घंटा। कितना होता है? 12 घंटा। ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। सेकेंड वाली सुई अपना एक चक्कर तो लगाएगी 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में। मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर लगाएगी 1 मिनट में, 60 मिनट में यानी 1 घंटे में। और घंटे वाली सुई जो होगी अपना एक चक्कर 12 घंटे में लगाएगी। कितने में लगाएगी? ये देखिए घड़ी है, तो घंटे वाली सुई 12 जो है 12 घंटे बाद ही बसता है, तो घंटे वाली सुई क्या करेगी? अपना एक चक्कर 12 घंटे बाद लगाती है। यानी ये बात समझ लीजिए, सेकेंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल यानी एक चक्कर में लगा समय क्या होगा? 60 मिनट यानी 1 घंटा, और घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होगा 12 घंटे। बात समझ आ गई? ये 3 पॉइंट निकल दिए हैं। आप देखिएगा अगला टॉपिक है रेखी वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखी वेग तथा कोणीय वेग में संबंध ये होता है बेटा b बराबर होता है r ओमेगा। क्या होता है? b बराबर होता है r ओमेगा। इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे?
मान लीजिएगा स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ए समांतर बी से गति करते हुए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस का द्वारा वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा को आंतरित करता है। ये बात समझा नहीं? मान लीजिए स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल बी से गति करते हुए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस का द्वारा वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण आंतरित करता है। तो देखिए आपको मालूम है कोण बराबर होता है डेल्टा चला बटे त्रिज्या, दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर, भाग देने पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वन अपॉन आर। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, कितने बार समझ आ गए? इसमें दोनों पक्षों का कि मैंने डेल्टा टी का भाग दिया। अब इसमें लिमिट लगाइएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये तत्कालिक कोणीय वेग होगा। इसको क्या कहेंगे? तत्कालिक कोणीय वेग। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये तत्कालिक क्या होगा? रेखीय वेग होगा। तत्कालिक मतलब जिस मान एक पॉइंट पर है उस समय इसका वेग, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहेगा ना, ओमेगा तो है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसका कोणीय वेग ओमेगा है वो रेखीय वेग कितना है? वी है। अब इसकी वैल्यू यहाँ ओमेगा और इसकी वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो ओमेगा एक वस्तु आएगा वी अपॉन आर, तो वी बराबर क्या हो गया? आर ओमेगा। ये आ गया रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या आ गया आपका संबंध आ गया। समझ आगे बात एक बार फिर समझेंगे। मान लीजिएगा स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल बी से गति करते हुए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर डेल्टा थीटा को आंतरित करता है, तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। फिर दोनों पक्षों में आप डेल्टा टी का क्या कर दोगे? भाग। क्या करोगे? भाग। ये आएगा, इसको कहेंगे तत्कालिक कोणीय वेग, यहाँ लिखना होगा तत्कालिक कोणीय वेग। इसको कहेंगे तत्कालिक रेखीय वेग, यहाँ लिखेंगे तत्कालिक रेखीय वेग। तो इसकी वैल्यू कितनी? वी हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा। यहाँ रखेंगे ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, यानी वी बराबर कितना होगा? आर ओमेगा। तो आप बताया मैंने आपको वृत्ति गति, वृत्ति गति के प्रकार, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। थैंक यू।